सभी को नमस्कार। आज मैं रिव्यू करूंगा डोगा डाइजेस्ट 15 का, जो कि हमको राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलता है। राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी के जो डाइजेस्ट है, ये देखिए बाय मनीष गुप्ता, ये काफ़ी फेमस है सस्ती कॉमिक्स के नाम से, और सच में ही सस्ते भी हैं। मतलब इनकी क्वालिटी आप देखेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी है, बिग साइज़ में ये कॉमिक्स हैं। ओरिजिनली ये काफ़ी छोटे साइज़ में आए थे, अभी यहाँ पे तो कोई कॉमिक्स रखा हुआ नहीं है, ये एक संग्राहक संस्करण है, उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिग साइज़ मिलेगा आपको। तो ये बिग साइज़ की कॉमिक्स हैं। प्राइस जो है इसमें 3 कॉमिक्स शामिल हैं और 120 रुपये इसकी प्राइस मेंशन है बकायदा इस पर, यानी कि एक कॉमिक्स हमको इसके अंदर 40 रुपये की पड़ती है, जो कि बिग साइज़ में, और देखिए प्रीमियम पेपर और इंक का यूज़ किया गया, कितना साफ़ सुथरा कवर है इसका। इन सभी डाइजेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इन सभी डाइजेस्ट में, सिर्फ एक डोगा 20 जो है उसका कवर है, थोड़ा सा ये ओवर सैचुरेटेड है और चेहरा वगैरह साफ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम पुराने किसी डाइजेस्ट से या कॉमिक से कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमको ये अप टू द मार्क नहीं मिलेगा। मतलब ये एकमात्र डाइजेस्ट डोगा डाइजेस्ट 20, तो मैंने देखा था कई मित्रों ने क्या करा, इसी को कंपेयर करके रखा था, तो उससे हमको लगेगा कि यार मनीष गुप्ता जी की कॉमिक्स बड़े साइज़ में तो है बट वो अप टू द मार्क नहीं है, तो हम जो है उससे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। बाकी अदर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल अप टू द मार्क है। अब देखिए इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए। हालांकि मेरे जो ये पीस है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही गोंद का कुछ चक्कर है, पीछे भी ऐसा ही है, यहाँ पे देख थोड़ा सा ये उभरा हुआ, मतलब गोंद का है, मतलब ये सिर्फ एक में, बाकी किसी में भी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इससे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत बढ़िया इसमें देखिए डोगा की लिस्ट दी हुई पूरी, और तीनों कॉमिक्स जो शामिल है, चार मीनार, ये देखिए क्या शानदार कवर, और बच्ची मैडम और वैलेंटाइन दोनों के कवर भी शामिल है इस तरीके से। बच्ची मैडम का कवर ये रहा और वैलेंटाइन का, और देखिए ये मॉइस्चर में भी इतना ज़्यादा बड़ी जल्दी से तितली नहीं बन जा रही है। बाकी कॉमिक्स यहाँ पे रखी हुई हैं संजय गुप्ता जी वाली, जिनकी क्वालिटी तो खैर एवन होती है और प्लस पॉलीबैग में होती है तो वो ख़राब नहीं होती है। बाकी मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स जो मैंने अभी लेटेस्ट जो भी अनबॉक्स या रिव्यू करें तो रखते ही तुरंत सर्वनायक वगैरह की बात करें तो बड़ी जल्दी से वो तितली कवर बना लेती है, तो इसमें ये समस्या नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है। प्राइस इनकी बहुत अच्छी है, अगर मैं कंपेयर करूँ संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक से किसी से भी कॉमिक से कंपेयर कर लिया जाए, कोई भी यानी कोई भी कॉमिक्स आप उठाएंगे तो वो आपको 200 रुपये की मिलेगी 32 पेज की। मतलब सिंपल सा ट्रेंड है, लगभग सारी कॉमिक्स ही 200 रुपये की है 32 पेज की, और सारी की सारी है ना कंटिन्यूस स्टोरीज़ हैं, कोई भी सिंगल छोटे कॉमिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 32 पेज की 200 रुपये की कॉमिक्स आती है तो बहुत बड़ी बन जाती है सीरीज। अगर मैं डोगा की बात करूँ, डोगा की कॉमिक्स हाथ में आई है तो अभी लेटेस्ट मैंने कचरा पेटी का रिव्यू करा था, उसमें 3 कॉमिक्स हैं, देखिए वो दिखेंगे, तीनों कॉमिक्स मैंने एक ही पॉलीबैग में डाल दी है। तो तीनों कॉमिक्स अभी 600 रुपये के हो चुकी हैं और अभी 2 पार्ट और बाकी आने बाकी हैं, वो 300-300 रुपये के आएंगे वो शायद, तो 1200 रुपये की सीरीज पड़ेगी। उस हिसाब से देखिए सिंगल छोटे स्टोरीज हैं या 2 पार्ट की सीरीज है तो इसमें है वो 120 रुपये में बहुत परफेक्ट है। मतलब पूरी एक सिंगल पार्ट जो 32 पेज का है संजय जी वाला, उस प्राइस में आपको ये मिल जाती है, और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। देखिए अभी तक कोई ज़्यादा बहुत कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, और फ्लैट कलरिंग है वैलेंटाइन और बच्ची मैडम में, जैसा ओरिजिनल आया था वैसा ही बिल्कुल। और चार मीनार जो है 1999 में आया था शायद, 1999 का लास्ट कॉमिक था, इसके बाद ये 2000 बच्ची मैडम आया था, और इसमें डिजिटल कलरिंग थी जो शायद धीरज वर्मा जी का काफ़ी रोल था उसमें, हालांकि इसमें तो मनोज जी का नाम लिखा हुआ, आर्टिस्ट जो है उनके नाम लिखा हुआ, बहुत शानदार है। तो अगर मैं चार मीनार की बात करूँ तो इसमें मैं शायद पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ इसका, मेरा पुराना एक इसका एक कॉपी रखा हुआ था। तो ये चार चाचा हैं डोगा के, एक आधार स्तंभ है, अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, हल्दी चाचा और धनिया चाचा, ये इनके चार चाचा हैं। ये चारों भाई हैं, अदरक खान, हल्दी खान, काली खान और ये जो है धनिया खान। तो इनके नाम मसालों पे हैं, थोड़े से फनी लगते हैं। अदरक चाचा जो है वो बॉडी बिल्डर है, मतलब उस टाइप के हैं बॉडी बिल्डर, उसमें मास्टर हैं। काली चाचा जो है निशानेबाजी में बहुत महारती हैं। जो हल्दी चाचा हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, कराटे में बहुत महारती हैं, और जो धनिया चाचा हैं वो बॉक्सिंग में। तो इन सभी चाचाओं ने मिलकर के डोगा की पर्सनैलिटी को शेप दिया है, और डोगा की पर्सनलिटी खाली इन चारों का ही नहीं, और भी बहुत चार चीज़ें हैं जो कचरा पेटी जो ये रक्त कथा सीरीज मैंने बताई अभी मैंने रिव्यू कराया उसमें बता रखा है किस तरीके से डोगा की पर्सनलिटी शेप ली है। तो डोगा की पर्सनलिटी में काफ़ी सारी चीज़ों का योगदान है। तो अब इसमें क्या होता है कि चार मीनार में ये जो है एक कीर्तिमान, कीर्तिमान का मतलब होता है जैसे हम कोई क्या बोलते हैं कोई पदक वगैरह होता है कीर्तिमान, किसी का क्या बोल सकते हैं वो रिकॉर्ड जो होता है कीर्तिमान। तो ये क्या होता है कि ये इन चारों चाचाओं को चैलेंज करता है स्टेप बाय स्टेप, और सचमुच आगे भी निकल जाता है। देखिए इन चारों चाचों की मूर्ति लगी होती है, और इसके ना डिजिटल कलरिंग और मनोज का आर्टवर्क ना बहुत ही मनमोहक है, मतलब मेरी फेवरेट कॉमिक्स में से एक चार मीनार, और इसीलिए इतने सारे डाइजेस्ट हैं ना मैंने सबसे पहले इसको उठाया, मेरा फेवरेट है ये डाइजेस्ट। और थैंक गॉड की इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग हुई इसी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैलेंटाइन कॉमिक्स मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, ये 2000 भैया लेकर गए थे मेरे लिए। तो ये देखिए इसमें जो है ये कीर्तिमान हर एक चाचा को चैलेंज करता है इन चारों चाचाओं को,
और सफल भी होता है, हर मामले में उनसे आगे होता है, नो डाउट। मतलब कीर्तिमान चाहे इसके भावनाएं जो भी, इसके मंसूबे जो भी रहे हों, बहुत शानदार होता है वो इस चीज़ों में। आप पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी देखते जाइए, और क्या कलरिंग है, मतलब बिल्कुल आपको ओरिजिनल फील देगी, बस थोड़ा साइज़ बड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से बेटर है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ये स्पॉइलर होगा, बहुत पुरानी कहानी सभी को पता है, इवन जो नई कॉमिक्स है उसमें तो ये रिवील किया हुआ अभी है। ये मोहर सिंह हैं जो रसोइये हैं इनकी जिम में, या जहाँ पे सूरज रहते हैं, एक्चुअली यही कीर्तिमान है। तो होता सिंपल सा ये है कि सूरज को जो ये सभी चाचा काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सिखाते हैं, और मोहर सिंह ने कभी कुछ बात की होगी तो उसको थोड़ा मजाक में ले लिया होगा। तो मोहर सिंह जैसे एकलव्य होते हैं, मान लो कि ये अर्जुन है एकलव्य है, तो वो कैसे सीखते हैं, देख देख करके सीखते हैं। तो ये क्या करता है, इन चारों चाचों की मूर्ति बना के शायद रख लेता है, और जो है सारी विद्याओं में काफ़ी मास्टर हो जाता है, और फिर एक एक करके कीर्तिमान बन के उनको चैलेंज करता है और जीत भी जाता है। देखिए हर किसी को चैलेंज करता है और जीतता है, पर फाइनली क्या होता है कि एक एक को जब जीतता है तो स्टोरी आगे बढ़ती है इस तरीके से। और जो है डोगा को काफ़ी बुरा लगता है, या सूरज को, तो पेज नंबर 22 बस यहाँ, इसके बाद में क्या होता है, जब कीर्तिमान सभी चाचाओं को परास्त कर चुका होता है, शानदार बहुत अच्छा आर्ट है, मतलब मनोजी का जबरदस्त आर्ट है। फिर डोगा क्या करता है, उसको एक एक करके उन चीज़ों में छका देता है, मतलब डोगा फिर उससे बेटर निकल के आता है। ये देखिए हर चीज़ में उससे बेटर निकल के आता है। फिर इस तरीके से उसको मोहर सिंह का पता लगता है, बेकसूर पता लगती है, और फिर माधव मोहर सिंह एक अच्छा करेक्टर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जिसको भी डोगा का पता लग जाता है उसको डोगा जिंदा नहीं रहने देता, मतलब डोगा का सीक्रेट बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को पता है। चारों चाचा हैं, प्लस जो हमारे इंस्पेक्टर चीता हैं, उनकी बहन मोनिका वगैरह है, और प्लस बाद में मोहर सिंह भी जुड़ जाता है, एक अच्छा करेक्टर निकल के सामने आया, जो एडवांस स्टोरीज है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो एक पॉजिटिव टाइप की जेलेसी की बात हुई है इसमें, देखिए इसमें बाद में जो है शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत अच्छे चित्रांकन, बेटर, बहुत अच्छी, मतलब आई थैंक गॉड की, मतलब ये बहुत अच्छी प्रिंटिंग में हुआ है उस टाइम में। देखिए इस तरीके के लोग जो है फैंस लेटर वगैरह लिखा करते थे, उसको भी रिस्टोर किया गया है, बस ये कि इसमें एक्स्ट्रा ऐड वगैरह ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। तो ये शायद 32 पेज का पूरा ही मिल गया आई थिंक, हाँ 32 पेज का पूरा ये है, बस ये आगे पीछे कवर ये होंगे। एक लिस्ट हमको दी गई है मनीष गुप्ता जी की तरफ से, विश्रांगो की लिस्ट है, और कॉमिक्स की लिस्ट भी है, पर इसमें नहीं है वो, अदर उनमें है। नेक्स्ट कॉमिक्स कॉमिक्स है बच्ची मैडम। तो बच्ची मैडम जो है इसके बाद का कॉमिक्स है, टू पार्ट की स्टोरी है, बच्ची मैडम एंड वैलेंटाइन। अब इसमें से जो हल्दी चाचा हैं उनका लड़का होता है वो आता है फ़ौरन से, तो यहाँ पे एक सीन दिखा रखा है कि मोनिका कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं ऐसा कुछ, और उसको बचाता है, नाम है ना बची है मैडम, ये है लड़का, वो हल्दी चाचा लड़का, इसका नाम मैं भूल गया, इसमें लिखा होगा, देखता हूँ। तो जो जो सूरज टाइम पे पहुँच नहीं पाता तो वो बचाता है, और जब वो टाइम पे नहीं पहुँच पाता, क्यों नहीं पहुँच पाता हमको पता है, वो डोगा है इस वजह से। तो मोनिका उसे थोड़ी सी नाराज़ी रहती है, वो थोड़ी इनका कन्वर्सेशन दिखा रखा है, और उसके बाद में जो है ये है वो लड़का, कहाँ गया, उसका नाम फारूक कुछ ऐसा नाम था, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है। खैर कोई भी, वो जो भी नाम होगा। तो एक्चुअली क्या है, हल्दी चाचा का लड़का होता है, तो इनका तो मिलना तय है, तो ये मिलते हैं आपस में, इंट्रोडक्शन होता है, और वो भी मतलब थोड़ा सा मोनिका कुछ आने लगता है, ऐसा कुछ है इसमें। तो बच्ची मैडम इस तरीके का स्टोरी है, स्टोरी धीरे धीरे आगे पेस पकड़ती है, और जो है कई जगहों पर डोगा नहीं पहुँच पाता या सूरज नहीं पहुँच पाता, और वो लड़का जो है फारूक, हाँ ये देखिए फारूक ही उसका नाम है, हल्दी चाचा का लड़का है, वो बचाता है, और सूरज भी उसको बचा लेता है फाइनली डोगा के रूप में, ऐसा कुछ होता है, या नहीं पहुंच पाता है जो वो कुछ है। फाइनली जो है ये स्टोरी समाप्त होती है यहीं पे 27 पेज, इसमें भी लेटर वगैरह लिखे हुए। अब वैलेंटाइन में थोड़ा सा आपको डायलेमा दिखेगा, वैलेंटाइन में क्या होता है कि धीरे धीरे इसको एहसास होता है कि जो है फारूक है ना वो मोनिका को चाहने लगा है। देखो ये वैलेंटाइन कॉमिक्स का नाम भी, बहुत शानदार कवर था इसका, और इसको मोनिका नज़र आ रही होती किसी काम वाले भाई वगैरह में, मतलब ऐसा कुछ होता है वो सीन जैसा पूरी बॉलीवुड फिल्म में होता है। तो कहने का मतलब था कि ये थोड़ा सा पसंद करने लगता है हल्दी चाचा का लड़का, और जब सूरज को ये बात पता लगती है, और क्योंकि सूरज और मोनिका में थोड़ी नाराज़गी सी भी हो रही थी, तो उसको लग रहा था कि वो उसके लिए परफेक्ट रहेगा फारूक मोनिका के लिए। और फिर वो सोचता है कि जब उसको पता लगता है ये बात, हालांकि वो फारूक जब शेयर करता है अपने पिताजी से, तो पिताजी तो सब जानते हैं कि कौन डोगा है, कौन सूरज है, क्या है क्या नहीं, तो वो उसको मना करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो देखिए फ्लैट कलरिंग भी कितनी इफेक्टिव है, पता नहीं क्यों फ्लैट कलरिंग कंटिन्यू रखी थी उस समय की बात है ये, नहीं तो देखिए चार मीनार की कलरिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई थी फ्लैट कलरिंग से, खैर जो भी अलग अलग टेस्ट है इसका। तो बाद में क्या होता है, जब सूरज को पता लगता है तो वो सोचता है कि गुरु दक्षिणा चुकाने का मौका है, क्यों ना यही ठीक रहेगा, मतलब ऐसा कुछ है। पर फाइनली जो है आप हम जानते हैं क्या होता है कि सूरज और मोनिका कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरीके की काफ़ी भावनात्मक स्टोरी है जिसमें हल्दी चाचा वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो हल्दी चाचा करेक्टर को भी अच्छा इसमें एक वो खंगाला गया, अदरवाइज ज़्यादातर हमको अदरक चाचा दिखाई देते हैं। तो तीन कॉमिक्स अच्छा सेट है, हालांकि टू का सेट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब चार मिनट का कोई कनेक्शन नहीं है, पर हाँ इंट्रोडक्शन है चाचा और का, तो बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग के साथ में, बिग साइज़ और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मिली है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, और काफ़ी अच्छी। देखिए अभी तक है तो इतना ज़्यादा मेरे को कोई
मतलब क्वालिटी का इशू नहीं लग रहा, मतलब मेरे मुझे लग रहा था कि जो है इतनी बढ़िया क्वालिटी इसकी नहीं आएगी तो। और एक बात और बताऊँ कि जो दोनों पब्लिकेशन है, मनोज गुप्ता जी वाला है या संजय गुप्ता जी वाला है, जब वो नॉर्मल रिप्रिंट कर रहे थे, मतलब नई कॉमिक्स तो बिग साइज़ में आ रही थी दोनों ही कॉमिक्स की, बिग साइज़ में जो है संजय जी वाली भी आ रही थी, मनोज जी वाली भी आ रही थी, इसी साइज़ में लगभग थोड़ी छोटी होती थी, वो जब कोई चीज़ का बिग साइज़ देते थे तो उसको काफ़ी कॉस्टली बेचते थे। अभी क्या हुआ है कि एकदम से ना, जब मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स आई हैं बिग साइज़ में, तो लोगों ने एक नया इशू बना दिया। उन्होंने इशू ये बनाया है कि उनको अपना कलेक्शन पूरा करने के लिए जो है नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स चाहिए, हालांकि हरेक अपने अपने मोटिव होते हैं और सही भी लिखा उन्होंने कि नॉर्मल साइज़ की इंडिविजुअल कॉमिक्स की बात अलग ही होती है। तो ये बात मैंने नोट करी कि जो तीनों पब्लिकेशन चाहे वो सेम चीज़ लाएँ पर उसका वेरियंट थोड़ा अलग होता है। मतलब संजय गुप्ता जी मान लो अफोन अलग ला रहे हैं, मनीष गुप्ता जी अलग डाइजेस्ट के फॉर्म में ला रहे हैं, मनोज गुप्ता जी जो है वो इंडिविजुअल कॉमिक्स के रूप में ला रहे हैं। तो अगर कोई इंसान अगर परचेज करना चाहे, कलेक्ट करना चाहे, तो वो तीनों को ले सकता है, मतलब ऐसे रीजन अवेलेबल हैं। हालांकि लेना नहीं लेना अपनी चॉइस होती है, पर ये है मेरे को इसमें थोड़ा बहुत वो भी लगता है कि वो है। तो खैर किसी भी मामले में मुझे तो ये बिग साइज़ वाली बेटर लगी, सही प्राइसिंग के साथ लगी, क्योंकि जिसमें ये इतनी कॉस्टली जो कॉमिक्स आती है उसी में ये पूरे सेट आ जाते हैं। तो अगर चूज़ करना पड़े तो मैं तो खैर इन्हीं को चूज़ करूँगा परचेज़ करने के लिए। आई होप कि वो और कॉमिक्स भेड़िया वगैरह की भी प्रिंट करें और इनके कलेक्टर एडिशन भी मैंने ऑर्डर करें, देखते हैं उसमें कैसी क्वालिटी देते हैं। हालांकि वो थोड़े कॉस्टली हैं, मतलब उसमें हर एक में 80 रुपये ज़्यादा है। मान लो कि ये 120 रुपये की है तो शायद 200 रुपये की होगी, मतलब 80-80 रुपये ज़्यादा में इसको पूरे हार्ड बाउंड में निकलने वाली है ये कॉमिक्स। मैंने ऑर्डर कर रखी है, देखते हैं कब आती है। मनीष गुप्ता जी का ये भी प्रॉब्लम है कि वो कॉमिक्स काफ़ी लेट आती है, शायद वो सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं या जो भी उनका मोटिव है। तो खैर इसी के साथ मैं अपना रिव्यू एंड करूँगा। डोगा 15 का मुझे काफ़ी वेट था, मतलब बहुत अच्छी, बेस्ट कॉमिक्स है मेरे लिए, बहुत अच्छी कॉमिक्स है, पूरा नॉस्टैल्जिया है इसमें और बिग साइज़ में तो ये पढ़ने में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो डोगा 15 का एंड करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से किसी और डाइजेस्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं पहले उसका रिव्यू कर दूँगा। और आप इस एक कवर की वजह से भ्रमित मत होना, मुझे भी लगा कि ये थोड़ा सा ब्लरी सा है, परंतु बाकी सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, अंदर की प्रिंटिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। इवन जो अदर कवर है देखिए, इसमें इस तरीके की लिस्ट दी हुई है जनरल कॉमिक्स की भी और स्पेशल कॉमिक्स की भी, तो आप इससे भ्रमित ना हो। आप कोई भी अगर और कवर आप चूज़ करेंगे, जैसे देखिए मैंने उससे में भी दिखाया था अनबॉक्सिंग में भी, बिग गया डोगा है, या देखिए मुंबई का बाप है, हर मोड़ पर खड़ा है डोगा रेस, ये देखिए ये जो कॉमिक्स है आप देखिए कितना बढ़िया प्रिंट हुआ हुआ है, कहीं प्रिंटिंग में और पेपर क्वालिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुरू में ऐसा ही हुआ था, इवन संजय गुप्ता जी की जो पहली पहली कॉमिक्स रिप्रिंट आई थी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, बढ़िया प्राइस मिली थी। मनोज गुप्ता जी ने वैसे ही किया था, बहुत बढ़िया 60-60 रुपये में ध्रुव की कॉमिक्स विद स्टिकर अवेलेबल कराई थी, पर बाद का तो फिर बदल ही गया। मनोज गुप्ता जी की में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता पेपर क्वालिटी में। तो इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए एक बार फिर से मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इनमें से किसी और का डिटेल रिव्यू चाहिए किसी भी डाइजेस्ट का, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कमेंट में, अदरवाइज मैं अपने टाइमिंग के हिसाब से इनका वीडियो जरूर लाऊंगा। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।